बस और नहीं। क्या बस, इतने प्यार से मैंने आपके लिए सूप बनाया, पूरा पीना पड़ेगा। अगर आपने बना दिया था तो आप अपनी उंगली फेर देती उसमें ताकि और अच्छा हो जाता। देख रही है मामा आप इन्हें? भाई इनकी जितनी उम्र गुजरती जा रही ना, बच्चा बनते जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा तो फिर मैं भी इन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट करूंगी, हर चीज से परहेज करवाऊंगी। चले अब जवाब दें बेटी को। आप तो प्लीज बैठिए। हम बहुत कम जर्फ में है, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से निकाल दिया था। तुम चाहो तो यही सलूक तुम हमारे साथ भी कर सकती हो। नहीं, हम मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, लेकिन आपके आने की वजह जानना चाहेंगे। आंटी अगर आप बाकी सारे घर वालों को बुला लें तो अहमर आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। अजमत जरा ऊपर वालों को बुला लो। आप लोग बैठे। नहीं आंटी, माफी मांगने वालों को बैठना जेब नहीं देता। माफी नामे पे जबरदस्ती दस्तखत करवाने वाले लोग आज खुद माफी के तलबगार हैं। अहमर खान, ये आपकी कोई नई ट्रिक तो नहीं है? क्या बात है भाई साहब, हमें क्यों बुलाया? देखिए हम न्यूट्रल हैं भाई साहब, मेहर के मामले में हमें क्यों घसीटा जा रहा है? मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है रफीक। मुझे माफ कर दो मेहर, बहुत देर लगा दी है मानने में कि तुम मेरी सगी बहन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी देर नहीं लगाई कि वापस पलटना मुश्किल हो। जो गलती कोताहियां और बदतमीजी आप लोगों के साथ हुई है उसके लिए मैं आप सबसे खास तौर पर मेहर से माफी मांगता हूं। मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है, जो मर्जर शहरोज चाहता है वो जरूर होगा, और मैं सारे केसेस खत्म करता हूं, और आप सबके सामने तस्लीम करता हूं कि मेहर मेरी सगी बहन। बहुत रो चुकी थी, अब और नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई मौजूद है, मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारी सपोर्ट हूं, और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। तुम अपने भाई के साथ अपने असली घर चलोगे?